हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा 36 क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, फाइंड एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब ऑफ विच 0 3/√13 2/√13 इज वन एलिमेंट। तो इसे हम इस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे लेट v1 v2 v3 बी एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब, ठीक है, जिसमें कि v1 को हम मान लेंगे 0 3/√13 2/√13 जो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हम 1/√13 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है 0 3 2, और इसे हम क्या मान लेते हैं u1। तो यहाँ इज इक्वल टू 1/√13 u1, वेर u1 इज इक्वल टू 0 3 2, ठीक है। अब लेट u2 इज इक्वल टू अ वेक्टर, ठीक है, ए बी सी, बी ए वेक्टर डैट इज परपेंडिकुलर टू u1, ठीक है। हम यहाँ पर u2 एक वेक्टर मान लेते हैं ए बी सी जो कि u1 के परपेंडिकुलर है। देन u1.u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट इम्प्लाइज डैट 0 3 2 इंटू यहाँ पर ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 0 a + 3 b + 2 c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यदि ए बी सी का वैल्यू हम 1 2 - 3 लेते हैं तो यह किसके इक्वल हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो u2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 2 - 3, मतलब हम यहाँ पर एक वेक्टर ले लिए u2 1 2 - 3 के रूप में, जो कि क्या है u1 के साथ परपेंडिकुलर रूप में, ठीक है, तो या u1 पर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर हम u1 और u2 दोनों पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी u1 के साथ भी 90 का कोण बनाता है और u2 के साथ भी। तो वह कैसे पता चलेगा, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके द्वारा प्राप्त होने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा u1 u2 दोनों के साथ 90 का कोण बनाएगा। तो यहाँ u1 क्रॉस u2, ठीक है, यह हमें कैसे प्राप्त होता है, इस तरीके से हम इसे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, -13 2 - 3, ओके। सो ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू, यह ऑर्थोगोनल बेसिस हमें प्राप्त हुआ 0 3 2 1 2 - 3 -13 2 - 3, ठीक है। अब हम इन तीनों की सहायता से क्या प्राप्त कर लेंगे, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर v1 तो ऑलरेडी हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस का एक एलिमेंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर v2 और v3 निकाल लेते हैं। v2 कैसे निकलेगा, तो u2 बाई नॉर्म ऑफ u2, तो यहाँ u2 हमें क्या दिया हुआ है 1 2 - 3, और नॉर्म ऑफ u2 तो √1² + 2² - 3² इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है 1 √14 2 √14 -3 √14। इसी तरह से v3 क्या हो जाता है u3 / norm of u3 इज इक्वल टू यहाँ पर -13 2 - 3 √ -13² + 2² - 3² इज इक्वल टू -13 √182 2 √182 -3 √182। तो देयरफॉर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर ये तीनों वेक्टर, ठीक है, v1 v2 v3 वेक्टर को हम इस तरह से शो कर देंगे और यही क्या हो गया ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यूब हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।